दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से अपने चैनल पे जो है जीरो सब्सक्राइबर पे अपने कम्युनिटी टैब को इनेबल कर सकते हैं, उसमें पोस्ट कर सकते हैं, क्यूज वाला पोल बना सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको एंड में बताऊंगा कि किस तरह से आप जो है अपने कम्युनिटी टैब को ओपन कर सकते हो। तो उसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप अपने कम्युनिटी टैब से क्या क्या कर सकते हो। तो यहाँ पे आप जो है सबसे पहले अपने कम्युनिटी टैब का इस्तेमाल करके अपने चैनल पे जो है आप पोस्ट कर सकते हो। सबसे पहला जो है आप सिंपल सा पोस्ट कर सकते हो, अपने थॉट्स को शेयर कर सकते हो। सेकंड जो है यहाँ पे आप जो है टेक्स्ट का पोल बना सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि टेक्स्ट का आप जो है इस तरह का पोल बना सकते हो। थर्ड फीचर यहाँ पे यह है कि आप जो है इमेज का पोल भी यहाँ पे बना सकते हो। इमेज का पोल बना के आप यहाँ पे जो है अपलोड कर सकते हो कुछ इस तरह का। तो और चौथा ऑप्शन ये है कि ये जो है रिसेंटली लॉन्च किया गया क्यूज वाला पोल, यहाँ पे आप जो है अभी कम्युनिटी टैब में जो है क्यूज वाला पोल बना के भी अपलोड कर सकते हो यहाँ पे। उसके बाद आ जाता है कि कम्युनिटी टैब से आप जो है सब्सक्राइबर भी बढ़ा सकते हो क्या। जी हाँ, आप कम्युनिटी टैब से जो है आप सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हो। या आप मेरा कम्युनिटी टैब में जो ये जो है YT स्टूडियो क्रिएटर जो स्टूडियो है यहाँ पे आप देख सकते हो। मैंने इसका जो है पोस्ट का जो है एनालिटिक्स आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे जो है 213 सब्सक्राइबर यहाँ पर जो है कम्युनिटी टैब से मिले हैं। तो इस तरह से आप जो है अपने सब्सक्राइबर भी अपने कम्युनिटी टैब से बढ़ा सकते हो। तो आप अभी सोच सकते हो कि कम्युनिटी टैब कितना इंपॉर्टेंट है एक यूट्यूब चैनल के लिए। तो चलो बात करते हैं कि आप जो है कम्युनिटी टैब को अपने जो है चैनल पे कैसे इनेबल कर सकते हो। तो कम्युनिटी टैब को इनेबल करने के लिए आपको जो है अपने चैनल के इस तरह के पेज पे आ जाना है, अपने होम पेज पे आ जाना है। होम पेज पे आ जाने के बाद आपको जो है ऊपर यहाँ पे जो है 3 डॉट ऊपर आपको वहाँ पर दिखता रहेगा ऊपर के साइड। तो वो जो 3 डॉट है उस पर आपको जो है क्लिक कर लेना है। जैसे आप वो जो है 3 डॉट पे वहाँ पे क्लिक कर लोगे, हेल्प एंड फीडबैक का एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो सिंपली आपको जो है उस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा लोड होगा, उसके बाद कुछ इस तरह से ये पेज ओपन हो जाएगा। ऊपर वाले ऑप्शन पे आपको ध्यान बिल्कुल नहीं देना है, आपको नीचे यहाँ पर सेंड फीडबैक का एक ऑप्शन मिल जाता है। तो उस पर आपको जो है सिंपल से क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक कर दोगे, यहाँ से जैसे सेंड फीडबैक पे आप जो है क्लिक कर दोगे, आपको जो है कुछ इस तरह का जो है पेज दिखाई देगा। तो यहाँ से आपको जो है गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दोगे, उसके बाद आपको जो है कुछ इस तरह से आएगा आपको कुछ टाइप करने के लिए, अपना फीडबैक सेंड करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है, वो सिंपल से मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं जो है सिंपल से मैंने वो जो क्वेरी है वो लिख के रखी है। तो यहाँ पे मैं सिंपल से उसे लिखूँगा नहीं, मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे पेस्ट करना है आपको जो है कम्युनिटी टैब इनेबल करने के लिए, यहाँ पे रिक्वेस्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है। तो यही सेम टू सेम आपको जो है यहाँ पे लिख लेना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे YouTube चैनल नेम लिखा है, वहाँ पे आपको जो है खुद के चैनल का नाम लिखना है। सेम टू सेम यही पेस्ट करके नहीं भेजना है। तो वहाँ पे चैनल नेम की जगह अपने खुद का चैनल का नाम लिखना और सेम टू सेम ये जैसा मैंने लिखा है वैसे ही लिख के आपको जो है यहाँ पे आगे एरो का एक बटन मिल जाता है, उस पर आपको जो है क्लिक करना है। यहाँ पे आप नीचे देखेंगे एरो का एक बटन मिल जाता है, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका जो है लिखा हुआ यहाँ पे आ जाएगा और आपके चैनल का स्क्रीनशॉट यहाँ पे नीचे शो हो जाएगा। तो आपका जो है चैनल का स्क्रीनशॉट यहाँ पे आ गया। आपने जो है यहाँ पे ऊपर जो लिख रखा है ये जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप जो है वहाँ से ले लीजिएगा। उसके बाद नीचे कंटिन्यू का एक ऑप्शन मिल जाता है आपको, वो कंटिन्यू के ऑप्शन पे आपको जो है क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपका फीडबैक सेंड हो जाएगा और विद इन 1 वीक या 2 वीक के अंदर आपका जो है कम्युनिटी टैब आपके चैनल पे इनेबल कर दिया जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। और अगर आपको आपका कम्युनिटी अगर टैब ओपन हो जाए तभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।